गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शिमला शर्मा, हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट रीड किया, वो क्या था आपको याद होगा? पोएम। वेरी गुड। और हमारी पोएम का नाम क्या था? मेहनत की बेला। हमने उसका ट्रांसलेशन भी किया और हमने क्या किए, ओरल क्वेश्चन किए। कब? प्रीवियस क्लास में। आज हम करेंगे रिटन क्वेश्चन आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स सब अपनी बुक, नोटबुक, अपना पेंसिल इरेजर निकालें। वाव, निकाल लिया आरुषि ने, आलिया ने, शाबाश, वेरी गुड। आयान ने भी निकाल लिया, गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन आंसर्स। तो पेज नंबर 6 निकालना है सबको, निकाल लिया, गुड। अब जैसे जैसे मैं लिखूंगी आपको वैसे ही लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियां पूरी करो, यानी हमें इन कविता की लाइन आधी छूटी हुई है, इनको हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले लाइन है, चिड़िया छोड़ घोंसले उड़ती। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे घोंसले, समझ आ गया, उड़ती। लिख लिया, चिड़िया छोड़ घोंसले उड़ती, गाती मीठा, क्या गाती वो, गाना। जग जाओ, अब लिखेंगे हम जग जाओ, अब तुम भी प्यारे, निद्रा दूर भगाना। आया समझ में? चिड़िया छोड़ घोंसले उड़ती, गाती मीठा गाना, जग जाओ अब तुम भी प्यारे, निद्रा दूर भगाना। आगे चलते हैं, उठकर चलने की, अब लिखेंगे ये क्या है बेटा, ये घड़ियां। उठकर चलने की ये घड़ियां, यह मेहनत की बेला है। घड़ियां, बेला का मतलब मैंने आपको बताया था, घड़ियां का मतलब क्षण समय भी होता है, बेला का मतलब भी समय होता है। ओके, जिसने, अब लिखेंगे हम जिसने इनको गवा दिया, उसने बस दुख ही झेला है। कंप्लीट कर लिया आप सबने फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। कनिष्क हो गया बेटा, शाबाश। अब चलो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7। अब पेज नंबर 7 पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, हमें कब जगना चाहिए। तो हमें कब जगना चाहिए, सबको पता है किस समय हमें उठना चाहिए बेटा। तो हम लिखे आंसर, आप मेरे साथ साथ इन्हें नोट करेंगे। तो लिखो, हमें प्रातः काल, एक मिनट बेटा, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, इसको दोबारा लिखते हैं ना। तो लिखो, हमें प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। एक मिनट, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, साफ करके दोबारा लिखते हैं हम। तो लिखेंगे अब,
1 second बेटे, 1 second, दोबारा लिखेंगे हम। यस, प्रातः काल जल्दी जगना चाहिए। प्रातःकाल में कैसे उठना चाहिए बेटा? जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। लेट उठेंगे तो क्या होगा? लेट उठेंगे तो हमें दुख सहन करना पड़ता है, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मेहनत न करने पर क्या होता है? तो मेहनत करना करने पर क्या होगा, मैंने जस्ट अभी अभी बोला था, आपको याद होगा। तो लिखते हैं हम आंसर, मेहनत न करने पर दुख सहन करना पड़ता है, ठीक है। हमें मेहनत न करने पर क्या होता है? मेहनत न करने पर दुख सहन करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चिड़िया गाना कब गाती है? तो कब गाती है चिड़ियों की चहचहाट हमें कब सुनाई देती है बेटा? सवेरा होने पर चिड़िया गाना गाती है, ठीक है। प्रातः यानी सवेरा होने पर चिड़िया गाना गाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि राइट और रोंग, यानी सही कथन के सामने राइट और गलत कथन के सामने रोंग का चिन्ह लगाइए, ओके। तो मैं बताती हूँ आपको, आप भी लगाते जाइए, नोट करते जाइए। सूरज उगने पर गलियां जगमग हो जाती है, इट इज राइट। एंड देन नेक्स्ट है, चिड़िया मीठा गाना नहीं गाती, इट इज रॉन्ग। चिड़िया तो मीठा गाना गाती है। निद्रा को दूर भगाकर सुबह जगना चाहिए, यस इट इज राइट। मेहनत की बेला को गवा देना चाहिए, नो इट इज रॉन्ग। कर लिया? हैव यू डन ऑल ऑफ यू? ओके, अब हमें क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें क्या करना है यहाँ पर? सेंटेंस बनाना है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? कलियां। आप भी अपनी ऑन लैंग्वेज में अपने हिसाब से इन वर्ड्स का यूज करते हुए आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है कलियां। तो कैसे लिखेंगे हम? सूरज निकलने पर कलियां खिल जाती है, ठीक है बेटा। अब आ जाओ इधर। नेक्स्ट है गलियां। सूरज की रोशनी से गलियां जगमगा उठती है, सूरज की रोशनी से गलियां
जगमगा, सॉरी एक मिनट बेटा, जगमगा उठती है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है अपना मीठा। चिड़िया मीठा गाना गाती है, चिड़िया मीठा गाना गाती है, ठीक है। एंड देन मेहनत, मेहनत करने पर ही एक मिनट उस मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है, ठीक है बेटा। मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है। एंड लास्ट वर्ड, जो मेहनत नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है उसे दुख झेलना पड़ता है। ओके बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। सो इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको लर्न करना। थैंक यू। नहीं।